बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे किचन में बन रहा है जी मीठा, और मीठे में मैं बना रही हूँ जी रंगीन सेवैयाँ, जिनकी बहुत ही मज़े की धीमी धीमी खुशबू होती है और उनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, डिफरेंट सा रंगीन सेवैयों का। तो चले जी देख लेते हैं अपने इन्ग्रीडियंट्स। तो इधर जी मैंने ली है जी 1 कप ले ली है जी रंगीन सेवैयाँ, और 1/2 कप मैंने इधर ली है जी शुगर। आप कंडेंस मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जी इधर मैंने ली है जी सोगी थोड़ी सी, और बादाम 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल का इस्तेमाल होगा, और 1 लीटर दूध में मैं बना रही हूँ, और 4 से 5 अदद इलायची का इस्तेमाल होगा। ड्राई फ्रूट्स नट्स वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से जो हैं डाल सकते हैं, और शुगर भी जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम बढ़ा सकते हैं। और इधर जी एक पैन में सबसे पहले हमने अपनी जो सेवैयाँ हैं उनको 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ऑयल में। और जी इधर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल को डाल दिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें डाल देनी है जी अपनी इलायची। इलायची पहले डालने का यह मेन मकसद है कि इसका जो सारा फ्लेवर है, खुशबू है, वो ऑयल में आ जाएगी, जैसे ही हम सेवैयाँ डालेंगे तो वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इसको जो है हमने 30 सेकंड के लिए जो है इनको कलकने देना है अपनी इलायची को, इसका कलर चेंज हो जाएगा और साइज़ भी। और उसके बाद जी डाल देनी है अपनी सेवैयाँ, और सेवैयाँ डाल के हमने जो है तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करना है इसी ऑयल में, कि जो सेवैयाँ हैं उनका कलर चेंज हो जाए और जो हम आग है, आग हमने जो है मीडियम टू हाई रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ जो है आग हमने नहीं रखनी कि हमारी सेवैयाँ जल न जाए। 1 मिनट के लिए हमने इसको जो है फ्राई कर लिया है। उसके बाद जी हमने सारा दूध एक साथ नहीं डालना, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसके बाद जी हमने थोड़ा सा दूध पहले डालना है सेवैयों में, एकदम से सारा दूध हमने नहीं डालना, थोड़ा सा दूध हम डालेंगे और उस दूध को जो है सेवैयों में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद जी सारा दूध इसमें डाल देना है, और दूध की मकदार आप अपनी सेवैयों के हिसाब से कम बढ़ा सकते हो। और इधर जो है हम किसी कस्टर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी सेवैयाँ थिक करने के लिए, ये खुद ही बहुत ही मज़े की थिक सेवैयाँ बन जाएंगी, इसमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जी डाल देना है अपना सारा दूध, और दूध जो है आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि जो सेवैयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा फूलती हैं, बाद में ये जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएंगी। तो आपने अपने दूध और सेवैयों की क्वांटिटी को बैलेंस करके रखना है। अब जी साथ ही हमने डाल देनी है शुगर, शुगर का हिसाब जो है आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख ले। मैंने इधर 1/2 कप शुगर ली है, और इन केस मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जो है ऐड कर लूँगी। और अब इसको जो है हमने बॉयल होने देना है, और इधर जी सेवैयाँ जो है अच्छी तरह से बॉयल हो रही हैं साथ साथ, और साथ साथ हमने चम्मच हिलाते रहना है। साइड पे लगी जो सारी इसका बलाई है वो साथ साथ उतारते रहना है। और अब जी डाल देने अपने ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो, और सारी चीज़ें डालने के बाद ड्राई फ्रूट शुगर। अब जी हमने अपनी सेवैयों को कुक होने के लिए रख देना है कवर करके। तो जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएंगी, सेवैयाँ हमारी गल जाएंगी, तो उस तब तक हमने इसको जो है कुक करते हैं, और साथ साथ में हमने इसको चेक करते रहना है। और इधर जी तकरीबन 5 मिनट की कुक के बाद हमारी सेवैयाँ बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो गई हैं। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी गाढ़ी है, जैसी हमें चाहिए थी वैसी है, रनी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह जो है हमने इसको ठंडा कर लेना है, उसके बाद डिश आउट करते हैं। और इधर जी मज़ेदार सी हमारी सेवैयाँ तैयार हो चुकी हैं, जिसके ऊपर जी मैंने जो जो भी मुझे ड्राई फ्रूट पसंद थे मैंने उनके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।